नागरिक श्रीमती बीजाबेन पटेल और आज जिनकी तपोवन्ना के लिए हम सब यहां एकत्रित आए हैं, ऐसे आपातकाल में संघर्ष करने वाले लोकतंत्र के प्रहरी ऐसे सभी भाइयों बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आमतौर पर इतिहास के जो काले अध्याय होते हैं उसको भुलाना उचित होता है और आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय है, देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। मगर मैं चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दिन मनाने के लिए इसलिए निर्णय किया है कि ये दिन को देश की जनता कभी न भूले, बार बार उसका पुनर्स्मरण कर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करे कि कभी कोई आपातकाल लगाने की हिम्मत इस देश में कर न पाए। जिस तरह से देश के महापुरुषों के जन्मदिन, उनके स्मृति दिन, उनके कर्तृत्व की, उनके काम की, उनके विचारों की महानता की स्मृति दिलाते हैं, ठीक उसी तरह से ये आपातकाल का दिन भी 26 जून देश के 1.5 लाख से ज्यादा लोकतंत्र के प्रहरियों ने अपने जीवन के स्वर्णिम 19 महीने जेल में बिताए इसकी स्मृति दिलाकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश भर में आज किसी न किसी स्वरूप में कार्यक्रम कर आपातकाल की याद विशेषकर नई पीढ़ी को, मेरे जैसे लोगों को पर भी, क्योंकि जब आपातकाल आया तब मेरी आयु 11 साल की थी, हमने वो प्रताड़नाएं नहीं झेली, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमने देखा भी नहीं है वो समय, ना समझ थी ना उम्र थी, परंतु पुरखों से जो सुना है, जिन्होंने वो वेदना को सहन किया, उनसे समझा है, इतिहास को पढ़ा है, ये पढ़कर भी वो समय की याद आती है तो कम कमी आ जाती है। इस प्रकार का एक कालखंड इस देश के लोकतंत्र पर एक वज्राघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने। मित्रों, आपातकाल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आपातकाल एक लोकतंत्र को बचाने के सत्याग्रह के रूप में भी याद किया जाता है, एक लोकतंत्र को दबाने की, खत्म करने की मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष के रूप में भी याद किया जाता है और आपातकाल प्रचार माध्यमों को सरकारी गिरफ्त से मुक्त कराने के आंदोलन के बारे में भी याद किया जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि भारत में लोकतंत्र की पैठ इतनी गहरी बनी है, एक तो क्या 100 इंदिरा जी भी उस वक्त आ जाती तो देश में से लोकतंत्र हटाना नामुमकिन था। इस प्रकार का संघर्ष मिसावासियों ने किया था। मित्रों, जब आपातकाल की बात होती है, आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं उनको अपने ही पुरखों के कामों की याद नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाला जरा करने वाले जरा पीछे मुड़ कर देख ले, जब उनके पुरखे राज करते थे, जब इनकी पार्टी का शासन था, तब किस तरह से अखबारों का गला बंद किया गया था, आकाशवाणी को किस तरह से कांग्रेसवाणी बना दिया गया था, किस प्रकार से दूरदर्शन पर एक प्रकार से गिरफ्त ली गई थी, यहां तक कि किशोर कुमार के गाए हुए गाने में किसी को सुनने होते थे तो महिला आवाज में आते थे, किशोर कुमार की आवाज में नहीं आते थे, क्योंकि इन्होंने संजय गांधी की दादागिरी को स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग
अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और ताने किन पर तक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में थी और सबसे ज्यादा सीतम अगर किसी पर डराया गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और सीतम डराए गए। सबसे कड़ा संघर्ष अगर किसी ने किया इमरजेंसी के खिलाफ, बाबा काल के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में काम करती थी उन्होंने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने। जब तक आपातकाल को उठा नहीं लिया गया हर रोज कोई न कोई किशोर युवा स्वयंसेवक, कोई किशोर युवा कार्यकर्ता इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए चले जाते। 156,000 जो मिसावासी जेल में पूरा समय रहे उसमें से 95,000 भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। यही बताता है कि कितना बड़ा संघर्ष हमारे विचार परिवार ने उस वक्त किया। और आज जब अभिव्यक्ति की आजादी के ताने लगाते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जरा पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देख लीजिए। आज का दिन एक और तो वो संघर्ष को याद कराकर नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का दिन है, आज का दिन वो संघर्ष और जो पराजय हुआ था सामंतशाही मानसिकता का, वो पराजय को याद कराकर आगे कोई ऐसी गलती न करे ऐसा सबक याद दिलाने की जरूरत है। तो आज का दिन जिन्होंने उस वक्त अपने जीवन के उत्कृष्ट समय को जेल की दीवारों के बीच में 19 महीने तक रहकर लोकतंत्र को बचाया था उन सभी को आज उनके काम को कार्यांजलि देने का भी दिन है। उनको स्मरण करके लोकतंत्र के वो प्रहरियों को समाज जीवन के सामने लाने का भी दिन है। मित्रों, कई लोगों के अवसान हुए थे और आज जब आपातकाल विरोधी दिन मनाया जाता है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आपातकाल किस प्रकार से आया इसकी हमें थोड़ी मीमांसा, थोड़ा विचार आज के दिन जरूर करना चाहिए। देश के अंदर लोकतंत्र कोई नई बात नहीं थी। पश्चिम के इतिहासकार भले कहे कि यहां पहले लोकशाही हुई, लोकतंत्र हुआ, वहां लोकतंत्र हुआ, जिनका भारतीय इतिहास का अध्ययन है उनको मालूम है कि द्वारिका में भी गणतंत्र था और मगध का साम्राज्य थे था तब भी देश में 9 जगह पर गणतंत्र इस देश के अंदर चलता था। सबसे पुराने गणतंत्र को बनाने का गौरव दुनिया में अगर किसी देश को प्राप्त है तो वो भारत को प्राप्त है, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को प्राप्त है। इसलिए लोकतंत्र की जड़ी इस देश में बहुत गहरी पैठ बनाई और इसको हिलाने का सबसे पहला प्रयास श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन की परछाई में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन हुआ, शासन चला, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद धीरे 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 इनकी कार्यशैली और उनके विचारों के खिलाफ एक जनमत बनता गया और जनमत बनने के बाद संयुक्त सरकार अस्तित्व में आई। वहीं से इमरजेंसी डालने का, आपातकाल डालने का एक बीज इनके मन में के अंदर अंकुरित हुआ। और जब संयुक्त सरकारें आई तो 356 का उपयोग कर संयुक्त सरकारों को गिराने की शुरुआत भी इंदिरा गांधी के समय में ही हुई। चुनी हुई सरकारों को गिराने का सिलसिला हुआ। उस वक्त चाटुकार और चापलूसों का बोलबाला बढ़ा, मुद्रास्फीति 20% से आगे निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टेटमेंट कर दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वहां तक चाटुकारों का एक हिम्मत बढ़ गई, उनकी गाड़ी के नीचे एक 9 साल के बच्चे को कुचल दिया गया। किसी अखबार ने इसका उल्लेख मात्र नहीं किया। जब जनसत्ता ने हिम्मत करी, पूरे देश के अंदर सनसनी फैलकर बड़ा एक विरोध का माहौल
देश के अंदर खड़ा हो गया और इतने में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और इंदिरा जी के चुनाव को सेटिस्फाइड करने का काम। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा दिन आया जब चुने हुए प्रधानमंत्री संसद में बैठ तो सकते थे मगर संसद के अंदर वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उनके विरोध की शुरुआत ललित नारायण मिश्र की हत्या से ही शुरू हो गई, परंतु जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तब स्थिति हाथ में नहीं गई और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इमरजेंसी डालने का फैसला कर दिया, आपातकाल डालने का फैसला किया और आपातकाल के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को के गले को घोंटने की शुरुआत की। कई बार वो अध्यादेश की बात होती है, वो परिस्थितियों की भी बात होती है कि किन परिस्थितियों में वो अध्यादेश आया या लाया जाए। बंगाल के मुख्यमंत्री का भी नाम उसमें लेते हैं मगर मैं आज भी मानता हूं मित्रों कि परिस्थिति और अध्यादेशों से कभी आपातकाल नहीं आता, इमरजेंसी नहीं आती, वो नेता की मानसिकता से इमरजेंसी आती है। अध्यादेश तो उसका एक फौरी अमली जामा पहनाने का काम है। जो लोकतंत्र में नहीं मानते हैं वो ही इमरजेंसी के बारे में सोच सकते हैं। सरकारें हमारी भी बनी है, हमारी भी गई है, एक वोट से हमने संसद के अंदर अपनी सरकार गवाई, 13 दिन में हमारी सरकार गवाई है, कभी हमने इमरजेंसी की सोच नहीं लाई और इमरजेंसी ऐसे ही नहीं आ जाती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र के अंदर 3 बुराइयों को प्रविष्ट करने का काम किया।